किसी भी देश राष्ट्र के विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए श्रमिकों और मजदूरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी देश के विकास के मूल स्तंभ लेबर, मजदूर और श्रमिक ही हैं, चाहे उनका पेशा जो भी हो। कोई भी देश के विकास में मजदूरों या श्रमिकों के योगदान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उनके बलिदान को चिन्हित करने के लिए हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे या मई दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, कोई भी देश हो, उस देश का विकास के लिए, उस देश को बनाने के लिए श्रमिक यानी कि मजदूरों का बहुत ही बड़ा योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये लोग किसी भी देश के लिए, विकास के लिए मजबूत स्तंभ होते हैं, चाहे इनका पैसा जिस प्रकार भी रहे। ये कैसे भी प्रकार के काम करेंगे, लेकिन इन्हीं के बदौलत देश विकास करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं, मजदूर, लेबर या श्रमिक। तो कोई भी देश के विकास में मजदूरों या श्रमिकों का योगदान जो है, उनकी और लोगों का ध्यान को आकर्षित करने के लिए, और इनका जो बलिदान है, यहाँ पे कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पर कभी कभी असामयिक इनकी मौत भी हो जाती है। तो इनके साथ जितने भी बलिदान है, उन सभी को चिन्हित करने के लिए ही हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे या मई दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरे विश्व भर में जितने भी श्रमिक हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, काम करने वाले हैं, उनकी और लोगों का जो ध्यान है उनको आकर्षित करना, और साथ साथ इतने जो बलिदान दिए हैं, बलिदान देते हैं, इनकी और लोगों को ध्यान को आकर्षित करने के लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी को देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में, यानी कि इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो मजदूर दिवस की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में शुरू हुई, जब मजदूरों को बड़ी क्रूरता से शोषण किया जाता था और 15 से 16 घंटे काम कराया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो शुरुआत हुआ वह 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब मजदूरों को बहुत ही मजदूरों के साथ बड़ी क्रूरता से शोषण किया जाता था। उनको जबरदस्ती के काम कराए जाते थे और ये भी काम 15 से 16 घंटे तक कराया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा ही इन लोगों का शोषण किया जाता था। 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो में मजदूरों ने अपनी खराब स्थिति, शोषण और अधिकारों के लिए विरोध शुरू कर दिया और हड़ताल पर आ गए एवं 8 घंटे काम की मांग करने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग डेट ध्यान रखेंगे, 1 मई 1886। तो अमेरिका का शिकागो शहर है, यहाँ पर जो है मजदूर लोग अपनी जो खराब स्थिति, इनका जो शोषण होता था उनके प्रति, और अधिकार जो था इनका, उन सभी को लेकर के ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे और हड़ताल पर आ गए थे, जितने भी लेबर थे, मजदूर थे। और ये लोग 8 घंटे काम की मांग कर रहे थे, उससे पहले 15 से 16 घंटे तक काम कराया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग 8 घंटे काम की मांग कर रहे थे। 3 से 4 मई को यह विद्रोह विरोध काफ़ी हिंसक हो गया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी, आम नागरिक मारे गए और कई मजदूर घायल हो गए। इस घटना के बाद प्रस्ताव बनाए गए और 1889 में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, मई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से आज तक विश्व के बहुत से देशों में यह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये लोग हड़ताल कर रहे थे, इसके बाद है 3 से 4 मई को यह जो विद्रोह था, ये जो विरोध था वह हिंसक हो गया। यहाँ पर अब मारकाट यानी कि होने लगा और इसमें कई पुलिस अधिकारी भी मारे गए, साथ ही साथ में आम नागरिक भी इनके साथ साथ चपेट में आ गए और कई मजदूर लोग जो थे, जो लेबर थे, वे लोग भी घायल हो गए, कुछ की मृत्यु भी हो गई। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इसको लेकर के प्रस्ताव बनाया गया और 1889 में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि मई दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से लेकर के आज तक विश्व के बहुत से देशों में यह दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और तो 1 मई जो है वह इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि विश्व मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाने लगा है। तो इसका जो उद्देश्य क्या है, जो मकसद क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो दुनिया भर के सभी मजदूर वर्ग, श्रमिकों को सम्मान और श्रद्धांजलि देना है। तो दोस्तों, ये जो है दुनिया भर में जितने भी मजदूर वर्ग हैं, श्रमिक हैं, लेबर हैं, उनको सम्मान देना है और सम्मान के साथ साथ उनको जो श्रद्धांजलि भी देना है, जो जिन्होंने यहाँ पर अपने बलिदान भी दिए हैं। तो यही इसका उद्देश्य है। तो जितने भी मजदूर वर्ग हैं, लेबर है, उन्हीं के बदौलत जितने सारे कामें होती हैं और साथ ही साथ में कोई भी देश है उसका भी विकास भी इन्हीं की बदौलत होती है। जितने भी छोटे छोटे काम हो, सारे कामों में लेबर की आवश्यकता होती ही है। तो इसी कारण से इनका जो योगदान है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम भारत में बात करें
तो भारत में 1 मई 1923 से मजदूर दिवस का पालन किया जा रहा है, और सबसे पहले मद्रास में मनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ जो है इंडिया में वो फर्स्ट में 1923 से मजदूर दिवस का पालन किया जा रहा है, यानी मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, और यह सबसे पहले मद्रास में, जो कि उस समय मद्रास और अभी का जो है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में यह मनाया गया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इंडिया में फर्स्ट में 1923 से यह मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। दोस्तों अब हम लोग इसका थीम के बारे में बात करते हैं। तो थीम क्या है इस वर्ष का थीम, यानी कि 2022 का मजदूर दिवस का जो थीम है इंटरनेशनल लेबर डे का, वह है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। यह है इस वर्ष का थीम, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। हिंदी में हम लोग कहेंगे सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। यह है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें। तो यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में थीम है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन भी पूछ ले जाए। दोस्तों विभिन्न देशों में इसे विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। इस दिन भारत में हॉलीडे यानी कि छुट्टी रहता है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि मजदूर दिवस के दिन भारत में छुट्टियां रहती हैं, यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है, और विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से इसको मनाया भी जाता है। दोस्तों कोई भी काम बिना लेबर के नहीं हो सकता है, इसलिए आज के मशीनीकरण युग में भी लेबर मजदूर की अहमियत है। हमें किसी भी मजदूर श्रमिकों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और उनके कामों को कम नहीं आंकना चाहिए। तो दोस्तों अभी भी हम लोग इस जो मशीनीकरण युग है वहाँ पर भी लेबर मजदूर का जो अहमियत है इसको हमें जानना चाहिए। बिना लेबर के काम नहीं हो सकता, छोटे छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े कामों में भी आपको लेबर की ज़रूरत होती है, श्रमिक की ज़रूरत होती है, मजदूर की ज़रूरत होती है। तो हमें किसी भी मजदूर के जो है श्रमिक के साथ में जो है वह बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका जो काम है उसको कम नहीं आंकना चाहिए। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। आप लोग बहुत सारे ऐसे मजदूर देखे होंगे, श्रमिक देखे होंगे, जिन्हीं की बदौलत हम लोग अभी आसानी से और शांतिपूर्वक अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो हम लोगों को इनकी जो है अहमियत को जानना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो थीम है वह है हमारा, वो याद रखना है, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का निर्माण करने के लिए मिलकर कार्य करें, यह इस वर्ष का थीम है। तो यह हर साल 1 मई को यानी कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी को ध्यान रखना है।